परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट अगर अपग्रेड करते हो तो क्या आपको एयर फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत है? बिकॉज इसको मैंने सेकेंड सर्विस में क्लीन करवाया है, थोड़ा गंदा है अगर आप गौर से देखोगे तो। एक्सक्लूसिव एयर फिल्टर टिकली, एग्जॉस्ट तो लग चुका है, बहुत लाउड है। बेल बॉटम फेंडर्स। आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा पर थोड़ा रॉ होगा, चलो। और ये भी ओके। कैसी है मेरी जनता जनार्दन, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टू ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैव अराइव्ड फ्रॉम वे टू स्पीड। वे टू स्पीड आप लोगों को पता ही है परफॉर्मेंस में नंबर वन है व्हेन इट कम्स टू एग्जॉस्ट सिस्टम एंड एयर फिल्टर। अब इंटरसेप्टर 650 पे मैंने सिमिलर एयर फिल्टर लगाया था, फाइनली दे हैव लॉन्च्ड इट फॉर द सुपर मीटर 650। सो अब इस एयर फिल्टर को करेंगे अनबॉक्सिंग, बाइक पे भी लगाएंगे। जब बहुत सारे पार्ट्स आए हैं बट आज का जो फोकस होगा वो होगा ये एग्जॉस्ट पे। मैंने अनबॉक्सिंग कर ली थी इंस्टाग्राम पे, इसलिए कहता हूँ इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करोगे तो आपको सारी चीज़ें जल्दी नजर आएगी। बहुत सारे फीचर्स हैं इस एयर फिल्टर में जो हम बात करेंगे डेफिनेटली, बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू शो यू गाइज द एग्जॉस्ट मेड फॉर सुपर मीटर 650 बाई वे टू स्पीड। ये मैं आपको स्टॉक भी दिखाऊंगा। और द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप लोग ने मेरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट का वीडियो नहीं देखा है, SS मोटोकॉप का जरूर देख लेना। नाउ आई विल बी रिमूविंग दैट बिकॉज मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि सारी वेराइटी आप लोग को दिखाई जाएगी। ऑल्सो एक और ब्रांड का स्लिप ऑन आ रहा है, वो आप फ्यूचर में टच में रहना, व्लॉग्स देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। सो अब इसे करते हैं अनबॉक्सिंग। वे टू स्पीड का जो एयर फिल्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सवाल आते हैं कि अगर आप एग्जॉस्ट परफॉर्मेंस, बेसिकली आप परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट अगर अपग्रेड करते हो तो क्या आपको एयर फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत है? वैसे तो नहीं होती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इनपुट आउटपुट यू वांट। सो अगर आपको अपनी एयर क्लीन रखनी है, इंजन को अच्छा रखना है, तो एयर फिल्टर परफॉर्मेंस वाला डालना अच्छा ही होता है। ये एयर फिल्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दिस नीड्स वेरी लेस क्लीनिंग। बेसिकली एयर ब्रश मारा एंड यू आर सॉर्टेड। अब इसे करते हैं थोड़ा अनबॉक्स। आपको परफॉर्मेंस की एक्सपीरियंस तो मैं आज के वीडियो में नहीं बता सकता कि आज ही इंस्टॉल होने पड़ा है, पर आप देखने के बाद समझ जाओगे। क्योंकि जो स्टॉक एयर फिल्टर आता है वो पेपर होता है, और बेसिकली वाओ, सो दे हैव मेड अ नाइस ब्रेस आल्सो कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। जितना स्टेबल रहेगा उतना अच्छा है। सो द क्वालिटी लुक्स गुड, ऑरेंज कलर टू मैच द एयर फिल्टर। ये है नैनो टेक्नोलॉजी का एयर फिल्टर, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, आप लोगों को बताता हूँ। सो आई एम जस्ट पीलिंग दिस ऑफ राइट नाउ। इसका जो फोम क्वालिटी भी है ना, वो भी इतना सुपीरियर है ना, इट्स सो नाइस, सी दैट, इट्स सो गुड। सो आई मीन दैट्स वाई ये कुछ 3-1 हज़ार का आता होगा, जस्ट चेक कर लेना वेबसाइट पे, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हो द वे इट इज़, इसको ऑयलिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एयर ब्रश मारना है। बेसिकली कहीं पे भी जब आपकी सर्विसिंग हो रही है बाइक, तब आप इस पे जस्ट हवा चलवा दो वर्टिकल रख के ऐसे करके। सो इट मेक्स सेंस बिकॉज इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है एयर का, वो इतना अच्छा। अगर आप, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, अगर आप गौर से देखोगे तो आप आर पार देख भी सकते हो। सो एक बहुत हनीकॉम फिल्टर्ड सिस्टम बनाया है वे टू स्पीड ने। सिमिलर कॉन्सेप्ट वॉज फॉर माई इंटरसेप्टर 650 एंड माई इंजन वुड ब्रीद गुड। प्योर एयर मिलेगी फॉर कंबर्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के व्लॉग में मैं ले मैनेज बता रहा हूँ, बट सारी चीज़ें रील पे आपको टेक्निकल स्पेक्स आ जाएगी इंस्टाग्राम पे। अगर आप देखोगे अंदर हनीकॉम सिस्टम है, हनीकॉम के बाद ये गॉज लगा है बेसिकली, और जो गॉज है बहुत हार्ड है, आई डोंट नो इफ यू कैन सेंस इट। सो इस मटेरियल में काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी गई है, एंड नैनोटेक फ्लो है, डाइनो फ्लो है। सो इसका जो एयर फ्लो भी होगा वो अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन में होगा इंजन के लिए। सो कंबर्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। सो परफॉर्मेंस पार्ट्स के अपने व्लॉग स्टार्ट हो गए हैं, एंड दैट्स द बेसिक थिंग विच विल बी इंस्टॉलिंग। ये ऐसे करके आ जाएगा। यू कैन सी इट लुक्स वेरी सटल एंड वेरी नाइस, आई लाइक द लोगो ऑल्सो। सो ओवरऑल क्वाइट अ स्लीक लुकिंग यू नो एग्जॉस्ट। अब इसे लगाते हैं। इसकी टिप भी बहुत प्यारी है, वेरी सिंपल, नॉट टू ब्रॉड, नॉट टू बिग। मुझे स्लीक ज़्यादा पसंद है बिकॉज यू नो माय बाइक इज नाउ मिनिमल। अगर आप अभी चलोगे इंस्टॉलेशन के वक्त आपको सब दिखाता हूँ। और ये बहुत स्मूथ दिखेगा, ब्रश एल्यूमिनियम फील है। एयर फिल्टर भी लगाया जाएगा आज। और आप लोगों को बता दूँ, ये आ चुका है अपना MK डिज़ाइन से बेल बॉटम फेंडर्स। इसका मैंने अनबॉक्सिंग इंस्टाग्राम पे किया था, वॉट अ फिनिश। तो ये भी हम लगाएंगे
क्योंकि ये जो पीछे का लुक है ना, मैं आपको बताऊंगा इसकी खासियत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये FRB है तो लाइट हो जाएगा। बॉक्स में और भी चीज़ आती है, आई थिंक एक साइड का जो एग्जॉस्ट है दैट नीड्स सम काइंड ऑफ शीट मेटल, तो इसके लिए दिया है क्लैंप। हाँ जी, सो मैकेनिक घर पे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इसके अंदर है मेरा ओरिजिनल एग्जॉस्ट, बेसिकली OEM स्टॉक, और वो इसमें इसलिए क्योंकि मैंने फुल सिस्टम डाला है। सो आज के वीडियो में एक चीज़ बहुत अच्छा करूँगा, मैं आपको फुल सिस्टम का भी साउंड सुना दूंगा इसी कैमरा पे, इसी माइक से, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। उसके बाद वील पुट द स्लिप ऑन्स एंड मेक यू गाइस हियर हाउ दैट साउंड्स, ठीक है। सो आज का वीडियो लेंदी होगा, सो चाय कॉफ़ी समझ गए ना आप लोग, कर लो। और अभी मैकेनिक आता है, एंड इसीलिए ये इतना भारी है, इसे गाड़ी में ले जाना, वो सारे पार्ट्स गाड़ी में ले जाना, फिर वहाँ छोड़ना, फिर वापस आके बाइक लेना, आई नीडेड असिस्टेंस, राइट? दैट्स व्हाई द मैकेनिक इज कमिंग हियर। मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मनोज भाई आ गए बाय द वे। इनका नाम बहुत यूनिक है, क्या था? द बाइक डॉक्टर। हाँ, द बाइक डॉक्टर, ओके। इसको बाइक डॉक्टर, मेरे को बार बार विशाल बोल रहा है बाइक डॉक्टर को फोन कर, बाइक डॉक्टर। फिर मैंने कहा ओके, आई नो हिम, सो ही इज़ देयर एंड ही इज़ कम विद हिज टीम राइट नाउ, और सारा इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो आप लोगों को पहले मैं SS मोटोकॉप का एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, तो आप कंपेयर कर पाओगे आज के वीडियो में, क्योंकि आज पब्लिक को दोनों दिखा देंगे ना साउंड। ये कंपेरेटिव वीडियो नहीं है, ये फुल सिस्टम है, ठीक है, ये फुल सिस्टम लगा है। सो ये बहुत डिफरेंट है स्लिप ऑन से, बिकॉज इसमें जो पूरी परफॉर्मेंस की है, प्लस ये बिग बोर पाइप है, ये जो ओरिजिनल स्टॉक पाइप है मैं आपको भी दिखाऊंगा, उससे बड़ा है ये विद में, सो दैट देयर इज मोर एयर पासिंग थ्रू। और आप लोग सुन लो, तो ये साउंड है बैफल के साथ, इस पे मैंने बैफल रखा है बिकॉज विदाउट बैफल बहुत लाउड है। सब स्टॉक सामान है जो SS मोटोकॉर्प ने अपने लिए पैक करके रखा हुआ था, यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट इट केम। और ये एक आराम से क्या किलो होगा, आप उठा के तो देखो एक बार। चार पांच तो रहेगा, पांच तो पक्का, पांच है, तो पक्का ही है। सो इट्स वेरी हैवी एंड डेफिनेटली उसमें इतना फिल्ट्रेशन है साउंड को दबाने के लिए। सो अगर आप देखोगे, आप इसका बोर जो साइज़ है वो डिफरेंट है जो यहाँ लगा हुआ है, ये देख सकते हो। और इस पे मनोज भाई आपको O2 सेंसर का मार्क करना पड़ेगा, राइट वाला, लेफ्ट वाला, वो आपको पता ही होगा, ठीक है, है ना, क्योंकि वो गड़बड़ हो गई उस साइड लेफ्ट राइट, तो फिर सब लोचा। हियर आर V2 स्पीड स्लिप ऑन्स विच आई विल बी एडिंग। See the difference of the width. अगर मैं दोनों को compare करूँ, ये देखिए the thickness of this pipe and the thinness of this pipe, also lightweight. So उस हिसाब से पूरा है। Final fitting हो गई है, आप लोग को एक look दिखाता हूँ। अभी O2 sensor लगा रहे हैं मनोज भाई की team यहाँ पे, and this is the look. मैं आप लोग को light में भी दिखाऊँगा, अभी I'll take it for a wash also. And हमें go ahead मिल गया है fire करने के लिए, सब सुनते हैं V2 speed का एग्जॉस्ट फ्लो कैसा साउंड होता है। फर्स्ट ऑडियो फॉर यू गाइस एंड फॉर मी आल्सो एंड फॉर हिम आल्सो, फॉर एवरीवन हियर। चलो भाई आप करो। अरे नहीं, अरे करो आप करो ना, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, आप करो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। पहले थोड़ा गर्म होने देते, नया ग्लास वूल है, अब इसमें सिरामिक है या ग्लास वूल है। टीवी किलर लगेगा यार, बहुत लाउड है, बहुत लाउड। ओके, सो अब हम लोग करें इंस्टॉल एयर फिल्टर। आप लोग को पुराना एयर फिल्टर भी दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस भी दिखाता हूं। और एयर फिल्टर एग्जॉस्ट के साथ करोगे तो इट्स अ परफेक्ट फैमिली, आई वुड एडवाइज दैट यू शुड डू इट, बिकॉज इनटेक भी अच्छा हो गया, आउटटेक तो बहुत ही लाउड और अच्छा है,
और इसका साउंड बहुत ज़बरदस्त, इवन टू लाउड एग्जॉस्ट इज गुड, बट डीबी किलर आ रहा है, सो नेक्स्ट व्लॉग देखते रहना, उसमें डीबी किलर लगा के आपको सुनाऊंगा, देन विल बी प्रीटी कंट्रोल्ड, बट इट लुक्स वेरी स्लीक एक्सेप्ट फॉर दैट वन स्मॉल थिंग विच इज नॉट अ डील ब्रेकर एज सच, बट आई थिंक दिस ब्रांड विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। एंड सारी फिटिंग भी हो चुकी है, एक्सक्लूसिव एयर फिल्टर। तो अब आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव ऑल परफॉर्मेंस बेस्ड पार्ट्स कमिंग फॉर दिस मोटरसाइकिल बिकॉज यू ऑल केयर। तो एयर फिल्टर बेसिकली है ये 3 स्क्रूज पे, वो वाला ही पैकेट लगा है, और ये है कंपनी का ब्रैकेट। सो इसको इसका एक टर्म भी दिया हुआ है डायरेक्ट फ्लो सिस्टम के लिए। तो ये ब्रैकेट से क्या आएगा, हवा सीधी आएगी इसमें, वो एक साइड से जाता है विच गोज़ इनसाइड। तो बेसिकली यहाँ भी कचरा जमता है ना, तो ये और ब्रीदिंग के लिए बेटर हो जाता है, यू पुट द एयर फिल्टर दैट वे। लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हो, अगर आपको स्टॉक ही रखना है, सिर्फ एयर फिल्टर चेंज करना है फॉर परफॉर्मेंस, तो आप ये कर सकते हो, बट आई लेट द एयर गो डायरेक्टली फ्रॉम देयर रादर देन इन अ कोनिकल वे, इट्स टोटली योर चॉइस। एयर फिल्टर की कहानी ऐसी है कि 2-3 हज़ार किलोमीटर के बाद पता चलेगा कि कितना कचरा जमा हुआ है और कितना ईजी है इसको क्लीन करना। सबसे इम्पॉर्टेंट पता है इसका बेस्ट पार्ट इज क्लीनिंग यार, सिर्फ हवा मारा और सॉर्ट हो। स्टिल कीप दिस बिकॉज इसको मैंने सेकेंड सर्विस में क्लीन करवाया, थोड़ा गंदा है अगर आप गौर से देखोगे तो, ज़्यादा नहीं, पर इसकी मैंने क्लीनिंग करवाई थी और ये भी बुरी क्वालिटी नहीं है इस बार, दे हैव गिवन डिसेंट, बट अंदर पेपर है और वो गॉज है विथ नैनोटेक सिस्टम, सो उसमें फ़र्क होता है ब्रीदिंग का। मनोज भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, राजीव भाई स्पेशली आए। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैकेनिक्स डोंट लाइक टू कम टू योर होम बिकॉज दुकान नहीं छोड़ सकते, बट दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर हिम एंड इज अ राइडर, 22 स्टेट्स ही इज डन, सो इसको कुछ ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मैकेनिक है। थैंक यू सो मच, किसी को भी कुछ भी रहेगा तो आप बाइक डॉक्टर, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे राइड विद द बाइक डॉक्टर, तो जिस किसी राइड विद राज राइड विद द बाइक डॉक्टर, यस यस एज इट इज, होपफुली वी विल राइड समडे टुगेदर। ओके सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाया था आपके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड, एंड व्लॉग देखते रहना, इस पर काफ़ी कुछ मोटो व्लॉग सब कुछ आएगा। And as usual friends, eat well, sleep well, be good, signing off, ride with Raj, see you with the next vlog.